ऐसा करेगा तू? अबे पागल है क्या? बच्चे लोग का क्या पासवर्ड रख लेना, ठीक से रखना। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सर ने आप सबका जो फेवरेट सीरीज है नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट, उसको उसमें डेनवर का कैरेक्टर इन्होंने किया है। मतलब सर एक्चुअली कैसे ना, डेनवर का कैरेक्टर में सबसे बेस्ट जो है ना उसकी हंसी है। मतलब वो हंसी आपने मतलब कैसे निकाली? मतलब क्या हंसी है सर? मतलब एक बार अगर हंस दोगे तो सर मजा आ जाएगा। हंसी का ऐसे था, मतलब इसका प्रॉपर मतलब मैं हंस देता हूँ आपके लिए कर <देता। laughs> उसके अंदर ऐसा है कि शुरू शुरू में वो हंसी नहीं निकल रही थी। ओके तो साउंड एंड विजन में ये सीरीज हुई थी। तो वो जो कल्पेश जो डबिंग डायरेक्टर थे, मेरा अच्छा दोस्त भी है वो, तो वो बोला कि सचिन आजा बाहर आ थोड़ी देर, इसको प्रॉपर देख ये कैसे कर रहा है। अच्छा। इसकी हंसी देख। ओके। वो अभी जैसे उसकी हंसी है, आइला क्या बात कर रहे तू, ऐसा करेगा तू, ये इस तरह से उसकी हंसी। ये तो शुरू में ही इतना फास्ट ये सब कुछ निकल नहीं पाता था, ऐसा लगता था कि थोड़े से फंबल आते थे, थोड़ी सी चीजें मिस्टेक हो जाती थी, तो वो प्रॉपर कैरेक्टर पकड़ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो तो हो गया। अभी इतनी इतने साल डबिंग करने के बाद फिर जो प्रैक्टिस की है, तो उस हिसाब से तो भाई चलो कैरेक्टर अडॉप्शन की टेक्निक तो अपने में है, जल्दी से कर लेते हैं। हाँ लेकिन लगा था एक दो घंटे थोड़ा सा, जब ऑडिशन में तो सिलेक्ट हो गई मेरी वॉइस, और ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद जब प्रॉपर हंसी की बात आ गई, क्योंकि ऑडिशन में ये नहीं पता था कि ये ऐसे हंसता है। हाँ। जब डबिंग स्टार्ट हुई तो पहले एपिसोड में तो उतना उसका लाफ्टर वगैरह सब था नहीं, दूसरे एपिसोड से फिर उसका लाफ्टर स्टार्ट हो गया। फिर उसके अंदर एक सीन है, आर्तुरो करके एक कैरेक्टर है, तो आर्तुरो को वो जब बोलता है, क्या बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे में, क्या नाम क्या है तेरा, आर्तुरो। फिर उसके हाथ में एक मोबाइल होता है, तो मोबाइल में पूछता है क्या इसका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड वो बहुत ही इजी रखता है, 1 2 3 4 ऐसे पासवर्ड रखता है वो। तो आर्तुरो बोलता है कि इसका पासवर्ड है 1 2 3 4, तो डेनवर हंस देता है, अबे पागल है क्या, बच्चे लोग का क्या पासवर्ड रख लेना, ठीक से रखना, इस तरह से। तो वो सेकंड एपिसोड में मुझे पता चला कि इसकी हंसी ऐसी है। और फिर कल्पेश के साथ मेरा जो डिस्कशन हुआ, सारी चीजें हुई, हंसी तो निकल के आ गई, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी।